stop. देखा जनरल डोंग का अरेंजमेंट, सारा हॉस्पिटल खाली करा दिया तुम्हारे लिए। हमें मालूम था कि मेजर राव के शरीर में जहर फैल चुका है और बिना ऑपरेशन के वो नहीं बच सकता, इसलिए तुम लोग इसे इस हॉस्पिटल में जरूर लाओगे। जाओ, इनके बाकी साथियों को लेकर आओ। ठहराओ, बुलाने की जरूरत नहीं, हमारे आदमी यही मौजूद है। डोंगियन डंगर, जावेद, ऑक्सीजन। चारों तरफ से घेर लिया गया है, मेरे आदमियों के सामने सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें 5 गिनने तक का टाइम देती हूं। 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 100 1000। गिनते जाओ बेबी, जहां तक गिनना आता है। बिल्लियों के गुर्राने से शेर काबू में नहीं आते। जाओ, जाकर कह दो अपने डोंग से कि सराउंड करने के लिए मेजर कृष्ण राव के साथ धर्म सिंह भी आया है। ऑपरेशन कैसे होगा? जावेद, ब्लड क्लॉटिंग नाउ, इसे मेजर को होश मिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जल्द से जल्द बिजली का इंतजाम होना चाहिए। ओके, अब तो लाइट के इंतजाम करने का एक ही तरीका है, वो जनरेटर। लेकिन इसके लिए तो इन सारे सिपाहियों को खत्म करके इस पूरे इलाके पर कब्जा करना होगा, और ये नामुमकिन है। शियर मैडनेस। मेजर, अंजो, मेजर को अंदर ले जाओ। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मिशन इंपॉर्टेंट है।
और मुझे बचाने के लिए तुम लोगों ने मिशन को खतरे में डाल दिया है। तुम मिशन की फिक्र मत करो मेजर, ऐसे खतरे मेरे लिए रोज के खेल है। मुझे बुलाया तो भरोसा रखो मुझ पर, डंकन कुत्तों को मैं भून के रख दू। माना धर्म सिंह कि तुम इन सब को खत्म कर दोगे, पर ये मत भूलो कि डॉन के पास सिर्फ इतने ही सिपाही नहीं हैं, उसके पास हजारों सिपाही हैं। इन्हें मारोगे तो और सिपाही आ जाएंगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन ये सिपाही खत्म नहीं होंगे। ये लड़ाई नहीं है, खुदकुशी है। मुझे बचाने के लिए तुम लोगों ने क्या कर दिया है? मेजर, ये वैली सेफ है, आप सब लोग उतर जाइए ऐसे और अपनी जान बचाइए, चलिए जल्दी करिए। मेजर, इतने कमजोर हो तुम, एक फौजी की आन से ज्यादा अपनी जान प्यारी लगने लगी। आज जान भले चली जाए लेकिन आन नहीं जाएगी। टांगली लगे इन कुत्तों की इतनी लाशें यहाँ बिछा दूंगा कि इनकी चिता जलाने के लिए जमीन कब भर जाएगी। लेकिन डॉन तो जिंदा रहेगा मेजर, उसका जुल्म तो जिंदा रहेगा। मेरे भाई, अगर हम मर गए और डॉन जिंदा रहा तो हमारे साथ मर जाएगा हिंदुस्तानियों का वो गुरूर, जो हिंदुस्तानी फौजों से वाबस्ता है कि वो सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं करती बल्कि सारी दुनिया को दिखला सकती है कि जब जब कोई डॉन जैसा कमीना अपने नापाक इरादों के लिए आतंकवाद की तलवार लेकर हिंदुस्तान में तहलका मचाएगा तो हिंदुस्तानी सिपाही भी उसके मुल्क में जाकर उसके तहलके का जवाब उसी तहलके से देंगे। ठीक है कमांडर, तुम इन सबको लेकर इस वैली में उतरो, तब तक इन सिपाहियों को मैं अंदर आने से रोकता हूं। कमांडर भी कहते हो मेजर और उल्टी रीत भी सिखाते हो। भूल गए कि कमांडर खतरे की जगह से पहले अपने साथियों को बाहर निकालता है और उनके बाद वो खुद निकलता है। लेकिन हम आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, पर इतने तो गुनहगार नहीं हम। मरे एक सिपाही की मौत, क्या इसके भी हकदार नहीं हम? आज से अपनी इस छोटी सी सेना का कमांडर मैं तुम्हें मुकर्रर करता हूं मेजर। मेरे दोस्त, मेरा ये मिशन अब से तुम्हारा मिशन है, तुम्हारा। डॉन ने मुझे जो चैलेंज दिया है उसे अब तुम्हें पूरा करना है, तुम्हें। डॉन के आगे ये बाप भले ही शर्मिंदा हो जाए लेकिन ये सिपाही शर्मिंदा ना होने पाए। मेजर कृष्णराव, ना एक सिपाही शर्मिंदा होगा और ना एक बाप, और साथ ही अब आपकी बेटी डॉली को साथ ले जाना नहीं भूलेंगे, ये वादा रहा। हर खबर दुश्मन तक पहुंच रही है, हो सकता है ट्रांसमीटर पर भेजी गई हर इंफॉर्मेशन दुश्मन का ट्रांसमीटर कैच कर रहा हो, या फिर हो सकता है जनरल कपूर के ऑफिस में कोई गद्दार बैठा हो। इसका मतलब ये कि अब हमें हेडक्वार्टर्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी चाहिए? नहीं, खबर भेजेंगे, आखिरी खबर। हेलो मिस्टर कपूर, मैं बोल रहा हूं, पहचानी मेरी आवाज? मैं धर्म सिंह बोल रहा हूं, जिसका आपकी वजह से कोर्ट मार्शल हुआ था। मैं यहां कैसे हूं ये बात भी बताऊंगा। एनीवे, एक मैसेज है आपके लिए, नहीं डॉन के उस कुत्ते के लिए जो हमारी मूवमेंट की हर इंफॉर्मेशन डॉन तक पहुंचा रहा है। इस वक्त अगर वो सुन रहा है तो कान खोल कर सुन ले कि डोंगरीला का एनुअल डे डॉन की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये इंफॉर्मेशन नहीं, धर्म सिंह का चैलेंज है।
कभी रॉन्ग नहीं होता। अरे आओ 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 सिंथिया आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था, बहुत अच्छे वक्त पर आई हो तुम। देखो तुम्हारी दावत की खुशी में हमने क्या क्या मंगवाया है, ये देखो फ्रूट्स, ये देखो पूरियां और ये इमरती, बहुत जरूरी है। ए इधर आओ, जाओ ब्राह्मणों को बुलाओ। आज तुम्हारा श्राद्ध है ना, श्राद्ध। जनरल शोम 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 शामो शाशा। मैडम सिंथिया, मेजर कृष्ण राव को छोड़कर बाकी सब हिंदुस्तानियों को मारने में आप नाकाम रही, इसलिए जनरल डोंग आपको सजाए मौत देते हैं। आज से चार दिन के बाद होने वाले एनुअल डे पर आप खुदकुशी करेंगी। इसलिए माय ब्यूटीफुल इंटेलिजेंस चीफ मिस सिंथिया, अगर इन चार दिनों के अंदर तुमने हमें यह पता करके बता दिया कि डोंगरीला में इन हिंदुस्तानियों की मदद करने वाला कौन है और वो कहां छिपे हैं, तो एनुअल डे का दिन तुम्हारे लिए खुदकुशी का दिन नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। इसीलिए जल्दी कीजिए मिस सिंथिया।